गर्मियों का मौसम हो चुका है शुरू और शाम के टाइम हम सबको लग जाती है भूख, क्योंकि दिन काफ़ी बड़ा होता है गर्मियों में। तो इस हल्की फुल्की सी भूख को मिटाने वाली आज की ये जो रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको ये जो रेसिपी है इसको खाने के बाद आप नॉर्मल बर्गर, मैकडी का बर्गर, ये सारी चीज़ें खाना भूल जाएंगे और इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब ये मसाला पाव बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैं डालूंगी ऑयल। दोस्तों मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मसाले अदरवाइज सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब तेल हो चुका है गरम, इसमें मैं डालूंगी जीरा। अभी आप देख सकते हैं तेल काफ़ी गरम हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे प्याज। अब इस स्टेज पर हम प्याज को अच्छे से चला लेंगे और इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। तो अभी मैं प्याज को थोड़ा सा साइड करके इसमें लहसुन डालूंगी, इसको भी हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो अभी प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट अब, और इसको भी अच्छे से मिला लूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े करी लीव्स। करी लीव्स से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, साथ ही साथ करी लीव्स बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो अभी मैंने इसमें डाल लिया है करी लीव्स। अब मैं इसमें डालूंगी पाव भाजी मसाला। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब अच्छे कलर के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अभी हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। ध्यान रखें कि आप इसमें मिर्ची हरी वाली ना ऐड करें काट करके, क्योंकि दांत के नीचे जब मिर्ची पड़ती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और आप इसको बंद कर देंगे, पैक कर देंगे तो खोल खोल के निकालेंगे तो है नहीं। तो जैसे आप बर्गर में हरी मिर्ची नहीं डालते हैं, वैसे इसमें भी नहीं डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर और हम इन सारी चीज़ों को ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके। कश्मीरी मिर्च पाउडर से तीखा नहीं होता है, और ज़्यादा कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ना डालें, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा सा डाला जाता है कश्मीरी मिर्च पाउडर, तो हमने उसको डाल लिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। दोस्तों ध्यान रखें कि टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करनी है, तभी हमारा ये जो मसाला होता है ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें नमी भी बनी रहती है टमाटर के कारण। तो अभी हम टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हम टमाटर के साथ ही इसलिए डालते हैं ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाए, मतलब बिल्कुल नमी वाला हो जाए, अच्छे से सॉल्टी होके सॉफ्ट हो जाए, मिक्स हो जाए। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे नमक। तो अच्छे से टमाटर को भी हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इस तरह। अब इसको इस तरीके सॉल्टे करने के बाद हम थोड़ा सा फ्लेम को लो कर देंगे, इसे 2 मिनट पकने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं इसे लो फ्लेम पर पकाते हुए, और अभी ये बिल्कुल पक करके रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 पाव ले लिए हैं और हम इनको अभी करेंगे कट। तो इसको कट करने का जो प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल इस तरीके, मतलब बक्से जैसा, जैसा बॉक्स हम ओपन करते हैं बिल्कुल इस तरीके, एकदम से नहीं काट के अलग करना है इनको, बिल्कुल इस तरीके कट करना है। तो बिल्कुल इस तरीके हम सारे पाव कट कर लेंगे। अभी हम एक पैन ले लेंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अभी तेल हो चुका है गर्म, इसमें मैं डालूंगी पाव भाजी मसाला। अब इसको अच्छा कलर देने के लिए हम तेल में डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इस तरीके हम पैन को थोड़ा सा रोटेट करेंगे। अभी हम इस तरीके पाव को इस पर रख लेंगे, एक एक करके सारे पाव ऐसे ही रखने हैं। तो बिल्कुल इस तरीके बीच में ये सिक चुका है। अब हम इसको दूसरी तरफ हल्का हल्का, साइड साइड में ज़्यादा नहीं इनको सेकना है, बिल्कुल इस तरीके ये सिक चुके हैं अच्छे से। ऐसे ही मैं सारे पाव सेक लूँगी। तो अभी मैं इसके बीच में ऐसे मसाला भर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप बेशक बढ़िया से फिलअप कर लें खूब अच्छे से, ज़्यादा ज़्यादा। और अगर आप कम मसाला खाना पसंद करते हैं तो इसको कम ही डालें।
से ही मैं दूसरे वाले में भी अच्छे से मसाला डाल लूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यमी, स्पाइसी और मस्त एकदम फास्ट फूड बन करके हो चुका है रेडी, जो कि है मसाला पाव। और हमने इसके ऊपर भी थोड़ा सा मसाला स्प्रेड कर लिया है फिर इसमें स्टफिंग डालने के बाद। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। अभी तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।